जीवन ऐसे जिए कि जब आपके बच्चे ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, निष्पक्षता, कर्तव्य, जिम्मेदारी और प्यार के बारे में सोचें तो उन्हें आपका ख्याल आए। किसी काम की शुरुआत करते समय पर्याप्त धन न होने की चिंता मत करें। सीमित धन अभिशाप नहीं, वरदान है। सीमित संसाधन रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं टीचर पर्व पॉडकास्ट्स पर। मैं हूं प्रवीण शर्मा। सीखकर कुछ आप तक पहुंचाता हूं, और ज्यादा सीखने के लिए विद्यांतरिक्ष पॉजिटिव पेरेंटिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अमित डागर जी द्वारा भावानुवाद की गई पुस्तक पॉजिटिव पेरेंटिंग के अंशों को आप तक पहुंचाने की इस यात्रा में ये जो दो विचार जो अलग अलग छोर प्रतीत होते हैं जीवन को सीखने की यात्रा में, ये दोनों इकट्ठे भी देखे जा सकते हैं। आप ये अपने आप को रचनात्मक बना लेने की तरफ का रास्ता सोच सकते हैं, या फिर ये सोच सकते हैं कि आप अपने परिवार के लिए एक आदर्श हैं। इन्हीं विचारों को आपके समक्ष लाते हुए हमें बड़ा हर्ष है कि आप सभी के पॉजिटिव कमेंट्स भी, पॉजिटिव फीडबैक भी हम तक पहुंचे हैं। हम यह भी गुजारिश करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर लगातार अमित डागर जी से जुड़े रहिए, ताकि आप पेरेंटिंग और करियर दोनों के बारे में भरपूर जानकारी हासिल कर सकें। हम सभी की पेरेंटिंग को लेके जो सोच है, जो संसाधन हैं, जो हमारा ज्ञान है या हमारे निर्णय हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में सीमित हैं, और यह सीमित होना ही इसे रचनात्मक बनाता है, क्योंकि हम और ज़्यादा सीख सकते हैं। तो आइए सीखने की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज की कड़ी में सुनते हैं 15 नए विचार, 15 नई कुंजियां पॉजिटिव पेरेंटिंग पुस्तक से। आपके माता पिता कैसे मिले, उनकी शादी कैसे हुई जैसी यादों का वीडियो बनाएं। चुगली करने से बचें। महीने में एक बार पीठ के बल लेटें और सितारों को देखें। किसी मुश्किल स्थिति में ऐसे व्यवहार करें कि जैसे असफल होना नामुमकिन है। काम पर जल्दी पहुंचें और तय समय के बाद लौटें। उस व्यक्ति से सावधान रहें जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। रातों रात सफलता मिलने में आमतौर पर लगभग 15 साल लग जाते हैं। किसी जगह उतने ही समय रुकें कि आपकी इज्जत बनी रहे। गाड़ी का फ्यूल टैंक 1/4 से कम होते ही भरवा लें। किसी को चुटकी बजाकर न बुलाएं, यह असभ्य है। हमेशा उत्साह दिखाएं, जब आपका मन न हो तब भी। स्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, शांत रहें। खुद को जरूरत से ज्यादा मत झुकाएं। विनम्रता और शीघ्रता से न कहना सीखें। नकद भुगतान करते समय छूट मांगें। कोई सौदा तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि चेक का बैंक से भुगतान नहीं हो जाता। अमित डागर जी कभी पैसों की बात करते हैं, कभी व्यापार की बात करते हैं, कभी नकद भुगतान की बात करते हुए विनम्रता की तरफ की बात करने लगते हैं, और कभी ये बता देते हैं बड़े सटीक और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कि रातों रात सफलता मिलने में 15 साल लग जाते हैं। अब इसमें जो संदेश है वो ये है कि हम हथेली पे सरसों उगाने का प्रयास तो कर सकते हैं, परंतु हमें ज्ञात रहे कि उसमें समय लगता है। सफलता एक डेस्टिनेशन, एक लक्ष्य हो सकता है, परंतु यात्रा भी अपने आप में एक इनाम है, हमारे सब के लिए अपने आप में एक हासिल है। इसी यात्रा में आपने सुने आज के 15 विचार। अगले एपिसोड में विद्यांतरिक्ष पॉजिटिव पेरेंटिंग सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।